Hey, what's up guys, welcome to my channel and I am back with a new video. The Nokia Note 8 will have the 64 megapixel camera sensor, which is going to be the first Nokia device to cross 64 megapixel barrier. It started with 48 megapixel sensor announced by Sony and Samsung, and many other have used this year. Nokia X71 में 48 megapixel कैमरा सेंसर इंप्लीमेंट किया गया था, जो 5-inch डिस्प्ले डिजाइन के साथ ये काफी बेहतरीन स्मार्टफोन था और ये स्टॉक एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काफी बेहतरीन कैमरा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता था, जो डे लाइट और लो लाइट में भी आपको काफी बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। Nokia X71 नोकिया का पहला फोन था जो 5-inch डिस्प्ले डिजाइन के साथ में देखने को मिला था, जो काफी बेहतरीन लुक भी प्रोवाइड करता था। द अपकमिंग Nokia Note 7 Pro will have the 64 megapixel camera sensor, making it one of the first device to cross the 64 megapixel threshold. And Nokia uski smartphone mein technology ko dheere dheere upgrade karta hai, lekin Nokia Note series ke sath mein technology ko kafi fast upgrade kar raha hai, जो नोकिया मिड रेंज स्मार्टफोन यूजर के लिए एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है। और अगर देखा जाए, नोकिया उसकी स्मार्टफोन पे फीचर्स एंड टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे अपग्रेड करता है, और ये एक रीजन है कि नोकिया बाकी चाइनीज स्मार्टफोन के साथ कम्पीट नहीं कर पाता और नोकिया स्मार्टफोन थोड़ा पीछे रह जाता है। इट्स अ मेजर जंप फ्रॉम द 48 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर दैट नोकिया करंटली यूज ऑन देयर प्रीमियम कैटेगरी स्मार्टफोन। इट लुक्स लाइक नोकिया इज नॉट स्टॉपिंग एनी टाइम सून। नोकिया स्मार्टफोन की फोटो क्वालिटी काफी कमाल का होता है, और अगर देखा जाए, नोकिया धीरे धीरे उसकी स्मार्टफोन की फोटो रिफाइनमेंट, इमेज प्रोसेसिंग एंड इमेज क्वालिटी में काफी सुधार लेके आए हैं, जो नोकिया स्मार्टफोन की कैमरे को एक अलग जगह प्रोवाइड करता है। नोकिया नोट 9 पे 6.5-inch फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो आएगा 1080x2460 डिस्प्ले पिक्सल रेजोल्यूशन विद 465 पिक्सल पर इंच डेंसिटी। और धीरे धीरे नोकिया उसकी प्रीमियम और मिड रेंज स्मार्टफोन पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले को इस्तेमाल कर रहा है, जो काफी बेहतरीन कलर रिप्रोडक्शन के साथ साथ काफी बेहतरीन डिस्प्ले होता है, जो आपको एक अलग तरीके का फील प्रोवाइड करेगा। और नोकिया नोट 8 10.0 एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ देखने को मिलेगा, और शायद इस बार नोकिया 8 के साथ आप स्टॉक एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम देख पाएंगे, जो एक स्मूथ यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इसके बारे में जो भी नया अपडेट आएगा और जो भी नया न्यूज आएगा, तो आपको मैं सबसे पहले इन्फॉर्म कर पाऊँ, ताकि आप इस डिवाइस के बारे में सभी रिपोर्ट और सभी न्यूज सबसे पहले जान सकें। लेट मी नो योर थॉट ऑन दिस एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो।